Hi guys, my name is Ankit Giri. I'm a student of Calibers Noah. 2016 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कैलिबर्स के साथ. सो आई लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस कि लाइफ में मैंने क्या गलतियाँ की या मैं क्या किया एंड कहाँ पे पहुँचा, क्या कर रहा हूँ अभी फिलहाल. तो पहली चीज़ ये सब स्टार्ट करने के पहले बता दूँ, राहुल सर के मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं जिसमें सर ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका कोर्स हो जाएगा, हम कवर कर लेंगे कैलिबर्स. सर, बच्चों को पढ़ाई का टेंशन नहीं है, उनको जल्दी इसलिए कैलिबर स्टार्ट हो बिकॉज आपसे मिलना चाहता है. एंड आई नो क्योंकि मैं भी वो सेम फेज पे रह चुका हूँ. एंड सो गाइस, मैं 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया. थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, बहुत खुश था कि लाइफ में मैं, पापा वॉज लाइक अंकित बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा. तो पॉलिटेक्निक में डाल दिया, धकेल दिया अपने को पॉलिटेक्निक में. धकेला तो धकेला भाई, ऐसे कॉलेज में धकेला, मतलब मैंने चूज किया दत्ता मिगे, साउंड्स गुड, दैट्स द मेन रीजन. डीसी हो गए अपन, फिल पूरा बैक, मतलब फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर, सेकंड ईयर पूरे डीसी, थर्ड ईयर से करने की हिम्मत ही नहीं हुई. घर वाले की नाकारा, कुछ नहीं करेगा, इंजीनियर बनने के सपने चूर चूर. फिर 11th 12th कर, मतलब डायरेक्ट 12th एडमिशन किया, जो भी क्लियर किया लाइफ में. फिर BBM आया. एंड द बेस्ट पार्ट कि मेरा पहला दिन था कैलिबर्स में, राहुल सर का लेक्चर जो किया, एक वर्ड कहा था सर ने, एक सेंटेंस था कि गाइस हद पार करने से बनता है नाम. आज तक आप मतलब इम्प्लीमेंट करता हूँ वो चीज़ लाइफ में. अगर टारगेट है मेरे पीछे, कुछ भी काम है ना, मैं वर्किंग आवर्स के जैसा कोई चीज़ नहीं रहती. अभी अभी तुम लाइफ स्टाइल में आओगे, जब जॉब वगैरह करोगे ना, जो बोलते हैं 8 घंटे वर्किंग आवर्स, भाई मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ, 17-17 घंटे काम करता हूँ. तो वर्किंग आवर्स जैसा कुछ नहीं रहता. सो ये सारी चीज़ों के लिए कि इतना वर्क लोड, वर्क प्रेशर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही मेरे लिए कि काम करने की जिद थी एंड सर की बातें याद आती थी. सो अगर मैं बोलूँ ना कि मैं अगर लाइफ में थोड़ा सा इतू सा कुछ अचीव किया है, नहीं ज़्यादा, लिटिल बिट, जब ऑल क्रेडिट गोज टू राहुल सर. अगर एज आई कैन से दिस इज आर्ट, देन राहुल सर इज आर्टिस्ट. एंड थैंक्स अ लॉट, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं सर के लिए जितना बोलूँ. पंकज सर जितने मोटिवेटेड पर्सन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा, नेवर. एंड उनकी बातें, उनसे बहुत सीखने मिला. सो एक्सपीरियंस कैलिबर में मैंने द वन वर्ड आई कैन से, कैलिबर में लग सब पढ़ने आते हैं, मैंने कैलिबर को जिया है. अपना लाइफ का बेस्ट फेज, मेरे लाइफ का बेस्ट पार्ट रहा है कैलिबर्स. जो 3 साल में आज तक नहीं बोला, रिग्रेट होता, बुरा लगता, याद आती, टाइम स्पेंड करने की इच्छा होती दोस्तों के साथ, सर के साथ. सो जिस अभी पॉइंट पे आप सब हो, तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, ये बाद में बहुत रिग्रेट होगा कि शायद ये चीज़ खो बैठे या ये चीज़ नहीं हो पाई, अभी जी लो गाइस. हर कोई बोलता है क्वारंटाइन में टाइम स्पेंड करने नहीं मिल रहा, मतलब पहले तो हर कोई एक्सपेक्ट करता था ना कि घर पे रहने मिले, घर पे रहने. अभी तुमको मिल रहा है, यू गाइज आर लकी. तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं अभी भी अपना वर्क ही कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है. ये मुझे, मैं चाहता था एक मैसेज दूँ, स्टिल 10 मिनट निकाले. सो मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और आके अकेला बैठ के मैं अपना वर्क कर रहा हूँ. तो हर कोई उतना लकी नहीं होता जितने आप हैं. तो घर वालों के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, एन्जॉय करो. कोर्स का कोई टेंशन, यार किधर है, अपन कैलिबर्स के स्टूडेंट है, अपन टेंशन नहीं लगा तो खत्म हो जाएगा यार. तो इतना ही है कि और एक चीज़ राहुल सर की बहुत अच्छी आती, वो प्यार मोहब्बत वाली बातें, मज़ा आती मेरे को. मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों से बाहर निकाले. सर ने बात बोली थी कि जितनी शिद्दत से तुम प्यार करते हो, उतनी शिद्दत से काम करो. तो एक जब में ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में US, एंड सच बात है. एंड अगर मुझे बहुत जन बोलते हैं कि हाँ वो जो भी कि लाइफ में, हाँ राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर, भाई करने की वजह यह है कि साइकिल से मर्सिडीज तक की जर्नी हर कोई नहीं कर सकता. एंड एक एग्जांपल है, मैं तो उनको ही देख के मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ. पंकज सर की बात थी, पंकज सर को देख के अपने लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता हूँ. एंड इतनी सब मैं चीज़ें बता रहा हूँ तो शायद उसका रीज़न, नाउ माई करंट डेजिग्नेशन इज बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इन बायजूस द लर्निंग ऐप. मेरे पापू का जो सपना था ना, पापा का, कि लड़का इंजीनियर बनेगा, तो ऐसे 13 इंजीनियर मेरे हाथ के नीचे काम करते, मेरे को सर बोलता है. एंड दैट इज द बेस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी. मैं इंजीनियर नहीं हूँ, जस्ट BBA ग्रेजुएट हूँ. सो कोई बड़ी बात नहीं है, बस वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल.
एंड एक सिंपल बात, इट्स नॉट, लाइफ में हर कोई फेलियर होता है ना, किसी का हर बुरा फेज होता है कि लाइफ में किसी ने कोई बैक आ गया था या कोई ड्रॉप आउट था, ड्रॉप आउट स्टूडेंट, कोई बड़ा नहीं है उस, अगर तुम उस चीज को लेके बैठोगे ना कि भाई मैं तो बैक थे, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मेरा नहीं बॉस, अगर वैसा होता तो शायद मैं भी आज कहीं बैठा रहता, कुछ नहीं कर रहा रहता, पर कर रहा हूँ कुछ तो कर रहा हूँ अभी फिलहाल। जितना तुम्हारे पास टाइम है तो मैं यही चीज कहूंगा, जितना ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, नई नई बातें सीख सकते हैं, नई जितना कुछ ग्रास्प कर सकते हो कर लो। ये टाइम माइट भी आने वाले 100 साल में भी कभी ना आए कि इतनी बड़ी ड्यूरेशन तुमको अपने घर पे मिल रही है, या कुछ सीखने के लिए कोई किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज के लिए रोक टोक नहीं है, सिर्फ बाहर निकलने के लिए। तो घर पे बैठ के सीखो ना, लर्न करो, शायद बेनिफिट हो, काम में आए। एंड द लास्ट थिंग गाइज, रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज ईजी, बस आप पे है कि खुद कितना पॉजिटिव हो, करना क्या चाहते हो। अभी सबको एक कंफ्यूजन, सब सोच रहे हैं कि कैट है, स्नैप है, जैट है, सारी चीजें का सीटी है कैसा। आपको कोई भी डिफिकल्टी, क्वेरी, डाउट कुछ भी हो, ऑलमोस्ट बहुत से कैलिबर के स्टूडेंट्स के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे ले सकते हैं, अदरवाइज आप बशर सर से मांग लीजिए, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू, कि कुछ भी डाउट हो आई विल बी देयर फॉर यू, आई एम सर्टनली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। बस अभी फिलहाल स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू सो मच, इतनी सारी बातें सुनी, अच्छा लगा मुझे भी आपको ये मैसेज फॉरवर्ड करते हुए। एंड आई एम वेरी मच लकी राहुल सर, पंकज सर, कि आप जैसे मेंटर मेरे लाइफ में थे, दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड लव यू कैलिबर्स मोम, दैट्स इट।